हुकूमत में मौला अली को पता चला कि औरतें सड़कों पे चल रही हैं और एक बारीक गली है, सबको पता है ये गली बारीक है, अचानक रश होती है, सब चलते हैं, मर्दों के कंधे औरतों के कंधों से टकराते हैं। अली को पता चला गैरतुल्लाह का मजहर, कभी ऐसी जगह पे अपनी माओ बहनों को न ले जाया करो जो एक कंजस्टेड जगह हो, जहां पे मर्द और औरत का कंधा मिले। अली को खबर पड़ी, मौला फरमाते समय तो इन निसाएकुम युदाफिन रिजाल, मैंने सुना है कि तुम्हारी औरतें मर्दों से कंधे टकराती हैं। लअनल्लाहुम अल्ला युगार, अली फरमाते खुदा की लानत हो उस मर्द पे जो गैरत न करे। और ये सुने भी कि तुम्हारी औरतें मर्दों के साथ चल रही हैं। एक खातून को ये पता होना चाहिए कि मेरा चलना कैसा है। दुश्मन बड़े बड़ों को गुमराह करने के लिए औरतों को इस्तेमाल करता था। इमाम हसन नमाज पढ़ रहे थे, मौला हसन के दुश्मन ने एक जगह पे इमाम नमाज पढ़ रहे थे, उसने खातून को भेज दिया। अब मौला हसन नमाज पढ़ रहे हैं, ये खातून इश्वगरी करने लगी, अपने वजूद नाज कहते हैं, इस्लाम कहता है औरत बात भी करे तो इस अंदाज से न करे कि मर्द को अट्रैक्ट करे। फिक्र अहले बैत में मेकअप करना हराम है अगर तू नामहरम के साथ